जब बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र ने सेट पर सुभाष घई को मारा थप्पड़। आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। बॉलीवुड सितारे और उनसे जुड़े विवाद हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, फिर चाहे वो सलमान खान का गुस्सा हो या किसी एक्ट्रेस के नखरे। ऐसे ही कलाकार है धर्मेंद्र, जिन्होंने अपनी फिल्मों से फैंस के बीच एक खास जगह बनाई है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब धर्मेंद्र का गुस्सा भी खबरों में बना रहता था। आज 39 साल पहले पूरी दुनिया ने धर्मेंद्र का गुस्सा देखा था, जब उन्होंने डायरेक्टर सुभाष घई को मारा था थप्पड़। जी हाँ, धर्मेंद्र ने फिल्म क्रोधी के सेट पर सुभाष घई को थप्पड़ लगाया था। उस फिल्म में हेमा मालिनी को धर्मेंद्र के ऑपोजिट कास्ट किया गया था। फिल्म के शूटिंग के समय सुभाष घई ने हेमा को एक सीन के लिए बिकनी पहनने के लिए कहा था, लेकिन हेमा ने ऐसा करने से मना कर दिया था। जब सुभाष ने आग्रह किया तब हेमा ने स्विमिंग पूल सीन के लिए बिकनी पहन ली, लेकिन ये बात जब धर्मेंद्र को पता चली उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। धर्मेंद्र ने शूटिंग के दौरान ही सुभाष घई को थप्पड़ लगा दिया था। उन्होंने गुस्से में लगातार थप्पड़ मारे। बाद में फिल्म के निर्माता रंजीत ने उनका गुस्सा शांत कराया, लेकिन धर्मेंद्र ने इस घटना के चलते सुभाष को चेतावनी तक दे दी थी। इस घटना के बाद सुभाष घई काफी घबरा गए थे। उनकी घबराहट का आलम यह हो गया था कि उन्होंने फिल्म से वो सीन ही डिलीट करवा दिया।